हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो गाइज? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्ती मजा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और उसमें मैं आपको शो करने वाली हूँ अपने टू ऐसे कोट जो कि मैं किसी भी ड्रेस के साथ पहन लेती हूँ। वैसे तो कोट होते हैं जो आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, बट मेरे पास जो है मैं आपको उसमें से टू दिखाने वाली हूँ ऐसे जो कि मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ और वो बहुत ही अच्छे से हर एक ड्रेस के साथ चले जाते हैं। जीन्स के साथ हो, स्कर्ट के साथ हो, ड्रेसेस के साथ हो, बॉडीकॉन या फिर फ्लेयर ड्रेसेस हो, कोई सी भी ड्रेस हो, वो उसके साथ इजीली चले जाते हैं। सो गाइज, अभी मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ। और आजकल देखो गाइज क्या हो रहा है मेरे साथ, जिस दिन मैंने वीडियो डालनी होती है उस दिन गाइज मैं शूट कर रही हूँ और मैं आज ही वीडियो शूट कर रही हूँ और आज ही मुझे अपलोड करनी है गाइज और आज ही आप लोग इसको देखने वाले हो। मैं इतनी ज़्यादा लेजी हो चुकी हूँ इतने दिनों से, वो इसलिए क्योंकि जो मेरी आईज है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करके रखा हुआ है क्योंकि मेरी आईज यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ इस बार क्या हुआ है। लेकिन दिसंबर की स्टार्टिंग से ही मेरी आईज ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, यहाँ से पूरी रेड हो जाती हैं। मेडिसिन खाओ तब तक ठीक रहती हैं, उसके बाद फिर आईज रेड हो जाती हैं। सो आई एम टोटली डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ माई आईज, बट मैं कुछ लेजी हो चुकी हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि अब मैं दोबारा से ऑन द ट्रैक आती हूँ और दोबारा से जो वीडियोस हैं वो अच्छे से बनाने शुरू करती हूँ। वैसे तो गाइज आपके लिए मैं अच्छा ही कंटेंट लेके आती हूँ और सोच समझ के लेके आती हूँ। ये कोट की जो मैं आपको आज वीडियो शो करने वाली हूँ गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं या उनको हमेशा फैशनेबल और अच्छा दिखने का शौक है मेरी तरह, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। और ये दो कोट हैं, मतलब अलग अलग कलर के हैं, लेकिन मैं इसको हर एक आउटफिट के साथ ईजिली कैरी कर लेती हूँ। सो गाइज, आज मैं आपको बस दिखाने वाली हूँ कि वो दो कोट कौन से हैं। ऐसे मैं आपको नहीं शो करूँगी कि मैं उसको किसके साथ कैसे स्टाइल करती हूँ, क्या करती हूँ, बट अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कौन सा आउटफिट कैसे कैरी किया है, उसको कैसे मैंने किसके साथ स्टाइल किया है। मैं सब कुछ वो उसी में ही रखती हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको अपने वो दो कोट दिखाने वाली हूँ जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। सो गाइज, फर्स्ट टर्न आती है मेरे कोट की जो कि है ब्लू कलर में और वो गाइज मंगवाया था मैंने अर्बैनिक से। पहना मैंने वैसे एक दो बार ही है वो, बट मैंने ज़्यादा नहीं पहना क्योंकि इतनी ठंडी नहीं होती है यहाँ पे। तो वैसे भी यार जहाँ जाना होता है कार में जाना होता है मोस्टली, तो फिर कोट काट की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। जब लेकिन बाहर निकलो तो हाँ फिर थोड़ा ऐसा होता है कि चलो कोट वगैरह की जरूरत है पहन लो। सो एनीवेज, मैं आपको दिखाती हूँ कि अपना फर्स्ट कोट ब्लू कलर में जो कि मैंने मंगवाया है अर्बैनिक। सो हेयर आई एम और दिस इज माई फर्स्ट कोट गाइज जो कि है ब्लू कलर में। बहुत ही हैवी है, आप देख सकते हो बहुत लॉन्ग है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना ज़्यादा लंबा है और ये पूरा आता है मेरी नीज से भी नीचे है ये मेरे, मतलब नीज में से एक अप गिट कह सकते हो, एक गिट मेरी नीज से भी लॉन्ग है ये। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैंने इसको पहना था फर्स्टली अपने बर्थडे पे, लास्ट बर्थडे पे, उसके बाद मैंने इसको पहना ही नहीं क्योंकि पहनने की ज़रूरत, हाँ फिर मैंने पहना था इसको शिमला में, राइट, जब मैं शिमला गई थी गाइस तब मैंने इसको कैरी किया था। आप लोगों को मैं पिक्चर्स ना ऐड कर दूंगी थंबनेल में, आप लोग देख लेना मैंने शिमला में इसको पहना था और ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। सो मैं अभी आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। हियर आई एम और ये है मेरा फर्स्ट कोट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ही सुपर कूल एंड सुपर सेक्सी है। इसके अंदर गाइज आप ना कुछ भी पहन लो, मतलब इसके साथ आप कोई ड्रेस पहन लो, जीन्स टॉप पहन लो, स्वेटर पहन लो, जितना मर्जी, मतलब जितने मर्जी आप इसमें इसके साथ कपड़े पहन लो। वैसे ठंड तो इसके साथ लगेगी नहीं, आई मीन टू से कि आप इसके साथ एक सिंगल ड्रेस भी पहन सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप इसके साथ स्वेटर भी पहन सकते हो, मैंने स्वेटर पहना हुआ है तो आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो। बट मुझे पसंद है इसको कैरी करना ड्रेसेस के साथ क्योंकि मुझे ड्रेसेस पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। सो मुझे इसको उसके साथ ही पहनना पसंद है। अभी मैं आपको उसका पूरा लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि फ्रंट से कुछ ऐसा है, इसमें एक सिंगल बटन है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लगा भी सकती हूँ लेकिन मैं इसको कभी लगाती नहीं हूँ, मैं इसको हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। और ये है इसकी टू पॉकेट्स। बैक से इसका लुक कुछ ऐसा है, साइड से कुछ लुक इसका ऐसा है गाइज, और फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छा पार्ट मुझे लगता है इसका ये कॉलर, जो कि गाइज बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और बहुत ही क्लासी लुक देता है। सो मैं इसकी पिक ऐड कर दूंगी गाइज अपनी शिमला वाली ना, तो थंबनेल में आप वो जरूर जाके देख लेना। सो गाइज, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस फर्स्ट कोट। ओके,
सो गाइज अब टर्न है नेक्स्ट कोट की, जो कि द लास्ट कोट है, सेकंड कोट, और वो है पीच कलर में। वो मंगवाया था मैंने इंस्टाग्राम के किसी पेज से, ठीक ठाक मतलब वो पेज था और उसमें काफ़ी लोगों ने शॉपिंग करी हुई थी तो उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने भी सोचा चलो क्यों ना ट्राई दिया जाए। बट मैंने उस पेज से सिर्फ एक ही बार मंगवाया प्रोडक्ट, उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया ही, उसके बाद मैंने वहाँ से कुछ नहीं मंगवाया। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकंड कोट जो कि है पीच कलर। हियर आई एम, दिस इज माय कोट जो कि है गाइज कलर पीच। मैं तीन बार ये चीज बोल चुकी हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट ये पीच कलर में है, फोर्थ टाइम बोल चुकी हूँ। सो गाइज मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ कि इसका पूरा लुक कैसा आता है। हियर आई एम विद दिस लुक, और आप देख सकते हो इसका जो इसकी जो लेंथ है गाइज वो मेरी मतलब यहाँ तक है, थाइस तक है, और इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मैं इसके साथ ना ड्रेसेस पहन लेती हूँ जो थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं, लाइक शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं या स्कर्ट्स होती हैं। वैसे मैं इसको जीन्स के साथ, मैंने इसको आज तक वैसे कैरी नहीं किया, बट ये जीन्स के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहो इसको जैसे मर्जी कैरी कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास कोट है आप सोच रहे हो इसको कैसे स्टाइल किया जाए, सो हियर आई एम हेयर टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द कोट। आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो, मैंने रील्स अपलोड करी हुई हैं पहले भी और फोटोज भी अपलोड करी हुई हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो लुक है पूरी वो कैसी आनी चाहिए, आपको कैसे कैसे इसको स्टाइल करना चाहिए। सो गाइज ये है इसकी टू पॉकेट्स, ठीक है। पॉकेट्स इसकी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट पॉकेट्स हैं, लाइक थोड़ा स्टाइल के लिए दे रखा है, अदरवाइज इसमें आप कुछ रख नहीं सकते, ज़्यादा हैवी सामान रख नहीं सकते, अदरवाइज एक हैंकी रख सकते हो आप, उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ रखना चाहिए, सेफ नहीं क्योंकि छोटी पॉकेट्स है, इसकी ज़्यादा बड़ी पॉकेट्स नहीं है। और इसमें ऐसे तीन बटन्स दे रखे हैं, बट बटन्स मैंने आज तक कभी नहीं लगाए। और है इसका गाइस सबसे अच्छा स्टाइलिश पार्ट, वो है इसका कॉलर, और वो है ये। सो गाइस मुझे आप लोग बताना कि आपको ये कैसा लगा, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका साइड लुक। साइड लुक इसका कुछ ऐसा आता है, ठीक है, और बैक से इसका लुक कुछ ऐसा है, फ्रंट से गाइस इसका लुक कुछ ऐसा है। A few minutes later. और वैसे ये मेरे काफी फेवरेट है, मैं इसको काफी बार पहन चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा थिक और वार्म भी है। और बस यही था गाइस इसके बारे में, इसके बारे में और कुछ डिटेलिंग्स आपको क्या ही दूं, बस ये प्लेन कोट है, वार्म है, टू पॉकेट्स हैं इसकी, और काफी ज्यादा स्टाइलिश है और फैशनेबल है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो गाइज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट बोथ दीज कोट्स। सो गाइज अभी व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, और ये थी मेरी टू कोट्स की कलेक्शन, और अब मैं मिलूंगी गाइज आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।